तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। यहाँ हम हेल इन पैराडाइज के एपिसोड नंबर 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं आगे जाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। इस बार कमेंट का टारगेट रखते हैं सिर्फ 5। मुझे उम्मीद है कि आप ये कर लेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फूल के ऊपर जो है ब्लड की बूंदें गिर रही होती हैं, और यहाँ पे माहौल जो होता है बहुत ज़्यादा ही शांत होता है, और एक बंदा जो है एक बंदे को पनिशमेंट देने वाला होता है। यहाँ कुछ बंदे बताते हैं कि जो नेक होता है वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हम देखते हैं कि एक बंदा जो है इसके नेक पे बार बार हमला करता है, बट उसका नेक जो है कटता ही नहीं है। तो यहाँ बैठे लोग बताते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ही हॉरिबल है कि इसका नेक जो है कट नहीं रहा है। जो होता है अपना फाइनल वॉर करता है, जिससे कि उसकी तलवार जो है टूट जाती है, और ये लोग जो है चौंक जाते हैं उसे देखकर। यहाँ हम अपने हीरो की पहली बार फेस देखते हैं। जो बंदा तलवार मार रहा होता है वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, बट यहाँ पे अपना हीरो कहता है कि पता नहीं मैं क्यों नहीं मर पाता, मुझे तो अपने लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है और मैं लंबे समय तक जीना भी नहीं चाहता, फिर भी मैं मर नहीं पा रहा हूँ। तभी हमें एक लड़की की आवाज़ आती है जो बताती है कि इसका नाम जो होता है जाबी मारू होता है, और एक ये विलेज से होता है आइकावा विलेज से। और ये सारी बातें वो एक पन्ने पे लिख रही होती है। वो बताती है कि तुम बचपन से ही मारने की टेक्निक सीखते आ रहे हो, अब तक तुमने बहुत सारे लोगों को मार दिया है, और इसके एक्सचेंज में तुम्हें जो है एक सुपर वूमन की बॉडी मिली है जो तुमने अपने सर्वाइवर के साथ डेवलप किया हुआ है। वो बोलती है कि अपने गर्दन से किसी भी ब्लेड को तोड़ना एक सिंपल टास्क होता है। फिर यहाँ जाबी मारू बताता है कि मैंने कोई टेक्निक जो है यूज नहीं करी है। तो बोलती है कि क्या निजुस्तु टेक्निक का यूज कर सकते हो, अगर तुम उसे यूज कर सकते हो तो क्या तुम मुझे दिखाओगे। जाबी मारू कहता है कि तुम्हें क्यों देखना है, तो लड़की बताती है कि मुझे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इसीलिए। जाबी मारू कहता है कि नहीं, फिर तो मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि मॉर्निंग में इसको जो है जलाने के लिए लकड़ी ले जाई होती है, और सभी लोग यहाँ पे उसको जो है बांध देते हैं और जो है लकड़ियाँ इकट्ठे करके उसके साइडों में रख देते हैं। अब यहाँ उसका बॉस जो है जलाने की आजाद दे देता है, तो हम देखते हैं कि इसे जो है बहुत ज़्यादा ही पेन होने वाला होता है। कभी कभी जो इंसान होता है अपनी आज़ादी से पहले ही मर जाता है, ऐसा उसका बॉस कहता है। हम यहाँ देखते हैं कि जाबी मारू के ऊपर जो है आग लगा दी जाती है, और ये सब जो होते हैं यहाँ पे खड़े होके देख रहे होते हैं कि अब क्या होता है। जाबी मारू पूरी तरह आग की लपटों में समा चुका होता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि लड़की भी पीछे खड़ी होकर नोट कर रही होती है कि क्या होगा आगे, बट हम देखते हैं कि यहाँ जाबी मारू ध्यान से देख रहा होता है उन्हें, बट उसे जो है कुछ नहीं होता, तो ये बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रात को ये बताता है उस लड़की से कि मैं कभी भी किसी चीज़ के लिए रजिस्ट नहीं करता हूँ, अगर किसी की इच्छा हो तो वो मुझे मार सकता है। फिर यहाँ लड़की पूछती है कि अपने बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ, तो बताता है कि मेरा बैकग्राउंड इतना भी इंटरेस्टेड नहीं है, मेरे जो माता पिता हैं उसे जो है उस गाँव के विलेज चीफ ने मार दिया था जब मैं छोटा था, बट मुझे इसका कारण पता नहीं है कि क्यों मारा था, और उस रात को इस बारे में सोचकर मुझे कुछ फील नहीं होता। निंजा जो होते हैं वो एक ग्रेट पर्पज़ के लिए नहीं होते हैं। अब यहाँ लड़की पूछती है कि तुम्हें उन लोगों ने कैश क्यों कर लिया था। फिर यहाँ बताता है मैं उस गांव को छोड़कर बाहर जाना चाहता था, बट उस गांव में रहने वाले कुछ लोगों ने मेरे साथ धोखा कर दिया, और वहाँ के विलेज चीफ ने मुझे जो है पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद वहाँ पे किसी को अलाउ नहीं था कि वो विलेज छोड़ के बाहर जा सके, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं था उसके अलावा। नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे का राजा जो है उसे जो है बैलों के साथ उसे बांध देता है दोनों टांगों को बीच से फाड़ने के लिए। यहाँ पे वो ऑर्डर दे देता है उनको छोड़ने के लिए, तो वो आग लगा देते हैं उसके पूछ में, वो भागते हैं, बट यहाँ पे जो है जाबी मारू को कुछ नहीं होता है और बैल जो होते हैं वो गिर जाते हैं यहीं पे। यहाँ पे जो लड़की बोलती है कि मजिस्ट्रेट प्लीज आप जो है इतना हैरान मत होइए, तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होता है वो और बुल्स को मंगा लेता है। फिर यहाँ जाबी मारू कहता है कि लगता है मेरी बॉडी जो है वो एक निंजा की है। यहाँ पे वो लड़की कहती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें मरना है, बट तुम मरते वक्त जो है रजिस्ट कर रहे थे अपने आप को। यहाँ उस लड़की को इतना बातें करते देख यहाँ का मजिस्ट्रेट जो होता है बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बताती है कि मैं तो बस अपना काम कर रही थी। फिर जाबी मारू बताता है कि इतना इंटरेस्टेड रीजन नहीं है उस गाँव को छोड़ने का, बट मैं वहाँ पे सबसे बेस्ट था और एक मैं विलेज चीफ बनने लायक था, इसीलिए वहाँ के विलेज चीफ ने अपने डॉटर से मेरी शादी करवा
दी थी, बट उसकी डॉटर बहुत ज्यादा ही इडियट थी और विलेज चीफ ने शायद उसको गोद लिया हुआ था। इस वजह से मेरे लाइफ के अंदर बहुत सारे अप्स एंड डाउन हुए थे। वो जो है मुझे बार बार मैनर सिखाती थी, जैसे कि शूज बाहर निकाल के आना होता है और खाना खाते वक्त पहले प्रेयर करनी होती है, बट मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने आप को इस तरह से चेंज कर लूं। अब यहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा ध्यान से उसकी बातें सुन रही होती है और नोट कर रही होती है। यहाँ पे गावी मर बोलता है कि मैं हेल्प मांगने के लिए विलेज चीफ पे गया था, बट उसने कहा कि मुझे तुम्हें एक और काम देना है, और काम देने की जगह उसने मुझे जो है कैप्चर कर लिया था। और मुझे पता था कि मैं जो हूँ ट्रैप हो चुका हूँ यहाँ पे। यहाँ से निकल के मैं भाग भी जाता तब भी ये लोग मेरा पीछा करते रहते। हाँ, बट इतना भी ये इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा वो लड़की कहती है और लिख लेती है। रात को जाते समय उसका एक बंदा जो है बताता है कि मुझे आपको इतना बताना नहीं चाहिए, बट आप उसका नाम जानती हैं क्या है? फिर वो बोलती है कि उसका नाम गाबी मारू है। फिर वो बंदा बताता है, नहीं, उसका जो नाम है गाबी मारू दी होलो है, और वो मैन जो है बिना ब्लड और बिना आंसू के है। इंसान ने, जिन बंदों ने, उस 20 बंदों ने उसको पकड़ा था, उन सबको एक साथ ही उसने मार दिया है। और अफवाह ये भी है कि वहाँ के लोगों ने इलेक्सिर ऑफ लाइफ को पिया हुआ है। वो एक तरह का मेडिसिन होता है जो इंसान को अमर बना देता है। अब हम यहाँ नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसको जो है मजिस्ट्रेट ने नई सजा दे रखी होती है, जो गर्म तेल उसकी बॉडी पे डाल चुके होते हैं, ये सोचकर कि वो जो है मर जाएगा। बट हम देखते हैं कि यहाँ वो जो है बाहर आ जाता है। यहाँ मजिस्ट्रेट बताता है कि मैंने इसको 370 डिग्री में डाला था, बट फिर भी ये बच गया। यहाँ गावी मारू बताता है कि मुझे अपने लाइफ से कोई अटैचमेंट नहीं है और मैं अंदर से बिल्कुल खाली हूँ। ये सारी बातें जो है वो लड़की देख रही होती है और सुन रही होती है। फिर वो मजिस्ट्रेट को बताती है कि मेरे पास एक अरेंजमेंट है इसके लिए। फिर ये सब उसको लेके जा रहे होते हैं तो कहता है, सच बताऊं तो मैं इन सब से बहुत ज्यादा ही थक गया हूं। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि तुम चुप हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि उसे एक रूम के अंदर लाया जाता है और वहां पे वो चीज देख के बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है, कहता है कि ये सब क्या है। फिर मजिस्ट्रेट बताता है कि ये जो है स्वॉर्ड को टेस्ट करती है और ये यहाँ ईडो से आई है और इसका नाम जो है यामाडा है और ये किसी भी इंसान के स्वॉर्डमैनशिप को चेक कर सकती है और ये जो है तुम्हारी गर्दन को एक ही ब्लो में तुम्हें पूरा काट सकती है, ऐसा मजिस्ट्रेट जो है कहता है। वो कहता है कि जल्दी से इसको मार दो। अब जैसे ही यामाडा इसको मारने वाली होती है ये जाके पीछे हट जाता है। यहाँ पे यामाडा कहती है कि अगर तुम इस तरह से मूव होगे तो मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगी और तुम ही तो कह रहे थे कि तुम्हें मरना है। फिर हम देखते हैं यामाडा जो आती है तलवार से उस पे मारती है, बोलती है कि क्या तुम मरना नहीं चाहते हो क्या। वो यहाँ कहती है कि कुछ लोग जो होते हैं मरने से पहले बहुत ही ब्रेव होते हैं। वो यहाँ बताती है कि मैं तुम्हारी हिस्ट्री को सही से सुन चुकी हूँ और लिख चुकी हूँ और जो तुमने सब चीजें सही बोली है बट और एक झूठ बोला है मुझसे कि तुम्हें जो है अटैचमेंट नहीं है अपने लाइफ से। मुझे पता है कि तुम अपने लाइफ से बहुत प्यार करते हो क्योंकि तुम अपने वाइफ से बहुत प्यार करते हो, और तुम्हारे लिए क्या वो रीजन नहीं है जीने के लिए, बताओ मुझे। तभी यहाँ जाबी मारू सोचता है उन लम्हों को जो पहले बिता चुका होता है अपनी वाइफ के साथ, और उन्हें देख के बहुत खुश होता है। उसकी प्रेयर को भी वो मानता है। उसकी वाइफ चाहती थी कि वो एक ऑर्डिनरी जो है वाइफ की तरह रहे और वो चाहती है कि ये जो है मेरे साथ एक नॉर्मल मैरिड कपल की तरह ही रहना चाहता है। जाबी मारू जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पे अटैक करने के लिए चला जाता है, और हम देखते हैं कि वो एक स्वॉर्ड भी ले लेता है किसी और से और फिर वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। बट वो कहती है कि क्या तुम अपने आप से झूठ क्यों बोल रहे हो। यहाँ जाबी मारू कहता है कि तुम चुप हो जाओ, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है अपने लाइफ से। वो यहाँ बोलता है कि मैं होलो हूँ। तभी हम देखते हैं उसकी वाइफ कहती है कि तुम एक होलो नहीं हो। वो यहाँ पे कहती है कि तुम्हारा नाम जो है वो भी बहुत अच्छा है, और वो कहता है कि नहीं, मैं बहुत ही अजीब तरीकों से बड़ा हुआ हूँ। फिर उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, तुम ही हो जो तुम मुझे सही तरह से देख पा रहे हो, और जो है गांव में कोई मुझे सही से नहीं देख पाता, और तुमने मेरे इस खराब फेस को जो है एक्सेप्ट किया है, और तुम ही इस पूरे दुनिया में ऐसे इंसान हो जो ये ऐसा कर सकता है, बट पता नहीं इस गांव में अलाउ नहीं है किसी को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, और मेरे फादर ने मुझे मेरे फेस को बंद कर दिया था इसलिए क्योंकि मैं ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती थी। यहाँ वो कहती है गावी मारू, जो भी बहुत ज्यादा दर्द
हद से बड़ा होता है, उसको मानना इतना आसान नहीं होता। और फिर वो उसके पास आ जाती है और उसके होठों पे किस कर देती है। फिर ये देखकर ये कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने। फिर उसकी वाइफ जो है स्माइल करती है, कहती है कि देखा तुम कितना ब्लश कर रहे हो और तुम अपने आप को एक होलो कहते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन लम्हों को याद करके जो गाबी मारू होता है और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि मैं गाबी मारू दी होलो हूँ और मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं कभी भी कोई इंसान बनना नहीं चाहता हूँ। फिर वो पास्ट में याद करता है कि वो जो है लोगों को मारकर वो जो है इनाम लेकर आता है और कहता है कि मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जी रहा हूँ, हम दोनों जो है चुपचाप ऐसे ही जीना चाहते हैं, पर मैं लोगों को मानना नहीं चाहता। ये सोचकर वो चला जाता है विलेज चीफ के पास ये समझाने के लिए कि मैं किसी को मानना नहीं चाहता हूँ। बट इस गांव में कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइफ को जी नहीं सकता। वो अपने वाइफ के साथ चाहता था इस लाइफ को जीना, बट उसके वाइफ को पकड़ लेते हैं वो लोग। यहाँ प्रेजेंट में वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, तो लड़की कहती है ये पॉसिबल है, ये देखो। यहाँ पे वो अपने राजा से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनवा के लाई होती है। इसमें लिखा होता है कि जो भी तुम्हारे ऊपर चार्जेस लगे हुए हैं वो सब डिसमिस हो जाएंगे और तुम जो हो एक नए तरह से लाइफ को जी सकते हो। इसके बाद तुम्हें जो है कोई मजिस्ट्रेट, कोई बंदा जो है तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यहाँ पे वो बताती है कि जो उसके मजिस्ट्रेट होते हैं उस जगह को ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पे कोई दर्द और नहीं होता है, और इसके लिए उसके राजा ने बहुत सारे लोगों को साउथ में भेजा होता है और वहाँ पे वो लोग वो जगह ढूंढ ही लेते हैं। फिर वहाँ पे उन लोगों को एक जो है फ्रूट मिलता है जो अमर कर सकता है लोगों को। उसको लाने के लिए वहाँ का मजिस्ट्रेट और बंदों को भेजता है, बट हम देखते हैं कि जब वहाँ से सिर्फ फूल आते हैं वापस, ये जो है पूरा इंसानों को खा जाता है और इंसान की बॉडी जो होती है एक फूल में बन जाती है। ये सब सुनने के बाद गाबी मारू कहता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई फेरी टेल की स्टोरी है। तो वो लड़की कहती है कि हाँ ये लगता तो फेरी टेल की स्टोरी की तरह है, बट कोई बिलीव नहीं करता जब तक वो देख ना ले। यहाँ पे मजिस्ट्रेट और बंदों को कहते हैं कि जो है जो जाना चाहता है आइसलैंड में उस बंदे को ढूंढो जो मौत से नहीं डरता हो। तो वो बोलती है कि मैं भी उसी कैंडिडेट को ढूंढ रही हूँ यहाँ पर। वो बोलती है कि तुम्हारे पास ये सारी स्किल हैं और तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये जो ऑर्डर दे सकती हूँ और तुम जो हो दोबारा अपने वाइफ के साथ रह सकते हो। तुम्हारी वाइफ आज भी तुम्हारा वापस आने का इंतजार कर रही है, बट उसके लिए तुम्हें जो है डेथ से कंपटीशन करना पड़ेगा, तो तुम तैयार हो। तभी पीछे से वो बंदा बोलता है कि इस बंदे को हम नहीं छोड़ सकते, इसको जो है डेथ मिलेगी। यहाँ जाबी मारू सोचता है कि मैं हार्टलेस होलो हूँ। तभी उसकी वाइफ कहती है कि नहीं, जो इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द मिला होता है वो इंसान का मरना बहुत ही मुश्किल है। तभी वो रोने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें देखना था ना निंजासुतु टेक्निक, अब दिखाता हूँ तुम्हें मैं। तभी देखते हैं कि इसकी पूरी बॉडी जो होती है वो एक आग में तब्दील हो जाती है। इसे देख के ये लोग घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने बंदे होते हैं सबको एक बार में मार देता है और वो कहता है कि मैं तैयार हूँ उसको ढूंढने के लिए, एलिक्सिरी ऑफ लाइफ को। यहाँ यामाटा कहती है कि चलो फिर मेरे साथ इडो चलना पड़ेगा पहले तुम्हें। फिर वो कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। वो यहाँ सोचता है कि मुझे रास्ते में कितने भी क्रिमिनल को फेस करना पड़े, बट मैं तुम्हारे लिए जिंदा वापस आऊंगा। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।